जय भीम मैच इतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड अप इंडिया योजना को विधानसभा चुनाव से पहले की ड्रामेबाजी बताया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को नोएडा में दलित आदिवासी और महिलाओं के लिए विशेष रूप से योजना शुरू की है। बसपा अध्यक्ष ने जारी एक बयान में कहा कि अगर दलितों आदिवासियों को अपने पाँव पर खड़ा करने की इतनी ही चिंता है तो आरक्षित कोटे के खाली पदों को भरना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सूखे के कारण किसानों के साथ साथ आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पशु पक्षियों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। प्रदेश के टीकमगढ़ में हालात इतने खराब है कि वहां पानी की निगरानी के लिए बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पानी की समस्या थी, हमने माननीय टीकमगढ़ कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि और अब हमारे यहाँ टीकमगढ़ में पानी की काफ़ी समस्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय कलेक्टर सर के आदेश के अनुसार पानी का छोड़ा गया और अभी तक हमारे 4 महीना हमारे बड़ी घाट में पानी का स्टॉक है और टीकमगढ़ में पानी की समस्या हम नहीं आने देंगे। नक्सलियों के थिंक टैंक होने के आरोप में जेल में बंद रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नागपुर जेल से रिहा किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए साईबाबा ने कहा कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अरविंद भट्टाचार्य मेरे छात्र हैं। यह युवा देश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। बिफोर माय अरेस्ट In 2014, 9th May, I was quite normal and I was healthy. I was able to do at least 10 people's work in one person. I worked as a kind of a machinery for the people's rights. But today, I may not be even to help my family. That is my health condition. So, are you resuming your duties at Delhi University? My first priority is health. And then naturally, I'll have to go back to my teaching job. But as I told you, earlier I was able to do 10 persons job. Now, I am not even in a position to help my family. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में नागपुर महानगर पालिका की ओर से एड्स जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एड्स के खिलाफ नैतिकता की शपथ लेते हुए स्वास्थ्य संबंधी जनजागृति की गई। नागपुर के कस्तूचंद पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में कई विधायक, मनपा आयुक्त, महापौर प्रवीण दटके विशेष तौर पर उपस्थित हुए। महापौर प्रवीण दटके ने कहा कि शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर नागपुर मनपा लगातार कार्य कर रही है। कैंसर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे या शहरात, एक आकडा, तो आकडा खरा खोटा आहे की माहिती नाही, पण 27,000 एड्सचे पेशंट या शहरात आहे अशी माहिती आहे। हार्ट अटॅक मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे, अनेक रोग मोठ्या प्रमाणात या शहरात वाढलेले दिसतात। त्यामुळे एक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने एक लोक चळवळ, एक लोक शिक्षण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नागपूर महानगरपालिकेने केला। मी माननीय दयाशंकरजी आणि त्यांच्या नेतृत्वात असलेली सर्व समिती, या समितीच्या सर्व सदस्यांचं अभिनंदन करतो की शहरात या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात लोकजागरण झालं। 300-400 मोठमोठ्या समाजाच्या, मोठमोठ्या सहकारी संस्थांच्या, सामाजिक संस्थांच्या, आर्थिक संस्थांच्या बैठकी झाल्या आणि हा मुद्दा शहरभर गेला आणि आज त्याचा कार्यक्रम इथे आहे। आपण मोठ्या संख्येत या कार्यक्रमामागे उभे राहिलात। दुपारी 3-4-5 वाजेपासून आपण या मैदानात उपस्थित झाला आणि नागपुरात एक नव्हे तर अनेक अशा लोकजागरण कार्यक्रमांची एक मोहीम सुरू आहे। मग आपल्याकडे योग दिन मोठ्या प्रमाणात झाला, मग आपल्याकडे संविधान दिनाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात झाला। विदर्भ के अकोला जिले में बीते दिनों बेमौसम बारिश, आंधी तूफान से कई घरों का नुकसान हुआ। वहीं बिजली के तार गिरने से कई घंटों तक बिजली गुल रही। इस बीच कई पशु पक्षी भी घायल होकर मौत के मुंह में समाए।
विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में वर्धा जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं में तंबाकू के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान कई स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। दोन इम्पॉर्टंट आहे इश्यू त्यामध्ये। तर फर्स्ट ठीक आहे, तंबाखू खूप वाईट आहे, त्याचं सेवन नाही करायला पाहिजे, त्याचे दुष्परिणाम होतात खूप मोठ्या प्रमाणावर होतात। आणि स्पेशली जे आमची यंग जनरेशन असतात, 11th 12th कॉलेज जाताना बरेचदा काय असतात की बाकी लोकांना बघून आपण हा शूट करतो, पण त्याचे दुष्परिणाम काय असतात ते आम्हाला माहीत पण नसतात। त्यामुळे जे आमचे यंग मित्र आहेत त्यांना आम्हाला सर्वांना तो विनंती राहणार आहे की आपण हा बाकी करत आहे, काही आमचे मित्र करत आहे, त्यामुळे आम्हाला पण कळायला पाहिजे असा तंबाखूबद्दल नको, हा एक व्यसन आहे त्याच्यापासून आम्हाला खूप दूर राहायला पाहिजे। पण एक लार्जर मेसेज आहे की वर्ल्ड हेल्थ डेच्या निमित्ताने आपण इंडिया आपण जे आहे ते वर्ल्ड डायबिटीज कॅपिटल बनत आहोत। लाईफस्टाईल डिझीज इथे जास्त वाढलेले आहे, आपले लाईफस्टाईल खूप सेडेंटरी आहे, आमचे मुले मुली खूप स्पोर्ट्स खेळत नाही, फिजिकल ऍक्टिव्हिटी जास्त होत नाही, कॉच पोटॅटो म्हणून आपण टीव्ही समोर बसतो। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। नागपुर के राजसंत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी में पिछले 12 सालों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नहीं भरे जाने और ग्रेड पे में कई कमियां होने से यूनिवर्सिटी के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। विद्यापीठ में पिछली 10-12 साल से बिंदु नामावली, जिसको रोस्टर कहा जाता है, ये प्रमाणित नहीं है क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारी का। उसकी वजह से नागपुर यूनिवर्सिटी में क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारी की जगह भरी नहीं जा रही, ना उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। और इस सिलसिले में विद्यापीठ प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने की वजह से आज हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। साथ साथ शासन के दरबार में बाकी यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों का बेसिक तरीका है, पदनाम तरीका है, लेकिन ग्रेड पे में चेंजेस है। खबरों के बाद बढ़ते हैं स्वास्थ्य संबंधी सेगमेंट की ओर, जहां आज हम आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सहावे से जानेंगे पाइल्स पर आयुर्वेदिक इलाज, साथ ही गर्भावस्था में पाइल्स पर सुरक्षित दवाइयों के बारे में भी करेंगे बात। वर्तमान समय में स्वस्थ रहना किसी सपने जैसा है, क्योंकि भाग दौड़ भरी दिनचर्या में हमने अपने जीने का ढंग ही बदल दिया है। खाने पीने और सोने का मानो कोई समय ही तय नहीं है, और इन सभी बातों का असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, जिसके वजह से अनगिनत बीमारियां हमें घेर लेती है। ऐसे में पाइल्स इस बीमारी के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन अब आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय आ गए हैं जो पाइल्स को खत्म कर सकते हैं। तो आइए आयुर्वेदिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण सहावे से जानते हैं आयुर्वेद में बेहतरीन इलाज। डॉक्टर सहावे अभ्युदन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंतर्गत शारसूत्र संशोधन केंद्र चलाते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण सहावे, आयुर्वेद सर्जन। मैंने MS और आयुर्वेदा में कुछ स्पेशली उपाधि प्राप्त की है। आप लोगों के सामने आने का आज का मेरा मकसद यही है कि आजकल की दुनिया में हमारी जो लाइफ है वो फास्ट फूड की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से होने वाली एक मुख्यतः जो बीमारी है, जिसको पाइल्स या बवासीर या मराठी में मुड़व्यात कहा जाता है, वो होती है गुदभाग की नसों का फूलना, इसको बवासीर या मुड़व्यात बोला जाता है, पाइल्स बोला जाता है। इसके चार प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार जो होता है, इसमें सिर्फ खून संडास करते समय जाता है और उसकी मात्रा जो होती है वो फोर्स से ब्लड जाता है, फोर्स से खून जाता है। और दूसरा जो प्रकार होता है, जिसमें संडास करते समय कुछ कड़ या मस्सा बाहर आता है, और जो मस्सा बाहर आता है वो जैसे ही मोशन या संडास बाहर निकल गई तो उसके बाद जो मस्सा है वो अपने आप अंदर चला जाता है। तीसरा जो प्रकार रहता है, उसमें मस्सा या जो कड़ बाहर आई हुई रहती है वो हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा जो प्रकार रहता है, जो मस्सा बाहर आता है संडास करते समय तो वो हाथ से भी अंदर नहीं जाता है और बाहर ही रहता है। इन चारों प्रकार की जो बवासीर की अवस्थाएँ हैं या स्टेजेस है, इसके अनुसार ट्रीटमेंट प्लान हम लोग
करते हैं। हर एक पाइल्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और हर एक पाइल्स दवाई से ठीक नहीं होता है। इसके जो चार स्टेजेस है इसमें पहले और दूसरे स्टेज में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास कुछ इंजेक्शन थेरेपी है, डीन थेरेपी है, कुछ रबर बैंड लागेशन है, क्षार सूत्र थेरेपी है और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमने कुछ रिसर्च करके बनाई हैं, वो अगर आप लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लगाते हैं तो इससे पहले और दूसरे स्टेज के जो पाइल्स है, बवासीर है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तीसरा और चौथा जो प्रकार है इसमें कुछ स्टेजेस में ऑपरेशन की, जिसमें हम लोग बिना टाके का, बिना चीरे का ऑपरेशंस करते हैं, कुछ लेज़र थेरेपी भी हम लोग करते हैं, जिससे आपको एक दिन में ही डिस्चार्ज हॉस्पिटल से मिल जाता है और बार बार होने वाली जो तकलीफ है आपकी पाइल्स की, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। अब पाइल्स होने के कारण क्या है, इसका अगर हम ध्यान देखें तो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जिससे हम लोग कम मात्रा में पानी पीना, नॉनवेज ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, स्पेशली हम नागपुरियन लोग, सावजी रस्सा खाने वाले, ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा तीखा और मिर्च मसालेदार खाने से हमारे डाइजेशन में बिगाड़ होता है और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज तैयार होने की वजह से बार बार ब्लड जाना, पाइल्स की तकलीफ होना, बवासीर होना, ये कॉमन है। गर्भधारण और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में पाइल्स की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए भी डॉक्टर सहावे ने सुरक्षित दवाइयां खोज निकाली है। प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन गुदभाग के रेक्टम भाग पर पड़ने से पाइल्स की तकलीफ या शिकायत 60-70% महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद होती है। हमारी जो एनाटॉमिकल रचना है, गुदभाग की जो रचना है, शारीरिक रचना है, उसमें वहाँ की जो वेन्स है, नसें है, उसको सपोर्ट कुछ मात्रा में अदर पेशी का न होने की वजह से ज़्यादातर जो खड़े रहने वाले आदमी हैं उनको ज़्यादातर मात्रा में पाइल्स की शिकायत देखने के लिए मिलती है। इन सभी कारणों में हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि आजकल लोगों को मोबाइल का एडिक्शन ज़्यादा हो गया है, तो टॉयलेट में जाकर बहुत समय तक मोबाइल खेलते रहते हैं या पेपर पढ़ते रहते हैं, आधा आधा घंटा मोबाइल में खेलते समय मोशन करते रहते हैं। तो ये जो आदत है ज़्यादा समय तक मोशन करना, ज़्यादा प्रेशर संडास की जगह लगाना, वो किसी भी कारण से हो, तो ये सब कारणों से पाइल्स जो होता है। हमने जो डीन थेरेपी का इन्वेंशन किया है, डीन मीन्स डाइट, डी जो पहला है वो है डाइट, हम लोग उसमें डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में हम लोग बताते हैं। दूसरा है ई मीन्स एक्सरसाइज और एजुकेशन। एक्सरसाइज हम लोग संडास की जगह कुछ व्यायाम हम लोग बताते हैं, जिसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, और कुछ एक्सरसाइज करने के बाद बार बार होने वाली जो तकलीफें हैं ये हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और इसमें एजुकेशन हम लोग पेशेंट को देते हैं कि आपको पाइल्स क्या है। हमने फोन इन फेंड एक कार्यक्रम रखा है कि जिसमें पेशेंट हमको एक घंटे का जो समय हमने हफ्ते में एक दिन दिया है, संडे 9-10 के बीच में, आप इस समय में आप डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ये कोई चार्ज नहीं है इसका, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें फ़ोन कर सकते हैं डॉक्टर से और अपने बीमारियों के बारे में हम लोग एजुकेटेड पेशेंट को करते हैं, क्योंकि आजकल पाइल्स होने के बाद एजुकेटेड जो डॉक्टर्स के पास जाने का पेशेंट का जो मोड है वो कम हो चुका है। बिना ऑपरेशन शर्थिया इलाज वाले डॉक्टर ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसकी वजह से क्या है कि जो MS डिग्री प्राप्त डॉक्टर है उनके पास जाके पेशेंट ने पहले चेकअप करना चाहिए कि वो है बीमारी एग्जैक्ट क्या है, इसके बारे में हमको अवेयरनेस होना चाहिए। तो DEA मीन्स आयुर्वेद कुछ मेडिसिन हमने किया है, जिसमें हम लोग लगाने के लिए दवाई देती है और इंटरनल कुछ दवाई खाने के लिए देते हैं। तो ये दवाई से क्या होता है कि कुछ फर्स्ट और सेकंड डिग्री के जो पाइल्स है या जिन्होंने ऑपरेशन किया है उसके बाद ये तकलीफ ना हो, इसके लिए बीमारियों को रोकने के लिए और प्रिवेंशन के लिए अच्छी साबित होती है। और उसके बाद DEAN में हमने जो मॉडिफिकेशन किया है वो है न्यू मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ यूज इन मॉडर्न मेडिसिन। रिसेंटली श्रीलंकन डॉक्टर्स के साथ मैंने लेज़र थेरेपी का ट्रेनिंग लिया है, तो उसमें हम लोगों ने एक बात देखी कि कुछ आयुर्वेद और एलोपैथी इन दोनों के मिलाप से हम लोगों ने कुछ न्यू मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट का इन्वेंशन किया है। तो उसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसी सर्जरीज है जिसमें आपको ज़्यादा समय तक एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक दिन में आप
डिस्चार्ज लेके घर जा सकते हैं। इसमें आपको आपका रूटीन वर्क भी डिस्टर्ब नहीं होता और दूसरे या तीसरे दिन आप काम पर भी अपने ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सब ग्रीन थेरेपी के साथ में हम लोग आयुर्वेद चार सूत्र थेरेपी भी है, जिसको हम लोग पाइल्स को लैगेट करते हैं यानी बांधते हैं, और इसमें भी कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में हम ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ क्षार का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, कुछ मेडिकेटेड सेटॉन जो हमारा रहता है, मेडिकेटेड जो पाउडर रहता है उसका एप्लीकेशन यानी वहाँ पर पाइल्स में लगाते हैं तो वो अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, केमिकल कॉटराइजेशन उनका होता है। तो ये सब होने से क्या है कि पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और दूसरा यह है कि एक बार अगर क्षार ट्रीटमेंट या क्षार सूत्र ट्रीटमेंट किया जाए तो आगे भविष्य में वो बीमारी ना होने के चांसेस बहुत ये है कम है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसी ये शाखा है जिसमें हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट नहीं करते, हम लोग पेशेंट की मुख्य बीमारियों की चिकित्सा करते हैं। इसलिए आयुर्वेद पाइल्स सेंटर जो है हमारा, ये स्पेशली जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हम लोग हमारा एक स्पेशल यूनिट है जिसके इंचार्ज हमारी मिसेस डॉक्टर पूजा साहवे है, जो गर्भवती महिलाओं को होने वाले पाइल्स के लिए विशेष चिकित्सा हम लोग देते हैं, जिसमें बस्ती थेरेपी है, कुछ मात्रा बस्ती थेरेपी है, जिससे प्रेगनेंसी के होने वाले अदर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी हम लोग रोक सकते हैं, और पाइल्स जो प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ सुरक्षित रहती हैं, सेफ रहती है, और आप इसको थ्रू आउट 9 महीने तक पूरे प्रेगनेंसी होने तक ले सकते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी 6 महीने तक हम लोग इसका कोर्स करवाते हैं ताकि अगले आने वाली प्रेगनेंसी में ये तकलीफ ना हो। और ये सब जो ट्रीटमेंट है ये आप हमारे यहाँ जो OPD बेसिस पर ही हम लोग देते हैं। आयुर्वेद और क्षार सूत्र थेरेपी के जरिए पाइल्स मुक्त अभियान चलाने वाले डॉक्टर साहवे शिविर के माध्यम से भी समाज तक अपनी सेवा पहुंचाते हैं। मरीजों की समस्या और समय के अभाव को देखते हुए मरीजों के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो सब बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है, हम लोगों ने ये सोचा है कि आज अगर एक मध्यम वर्गीय आदमी अगर अपना अपनी बीमारियों के लिए अगर 8 या 10 दिन या 15 दिन घर पे पड़ा रहता है तो उसकी आमदनी अगर बंद हो जाए तो उसके परिवार को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है ये हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ होने वाले जो उपचार हैं, ट्रीटमेंट है, उसमें दिन कम लगते हैं, दूसरा चार्जेस बहुत कम हैं, बहुत यानी मैं कह सकता हूँ कि इतने कम चार्जेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पाइल्स मुक्त अभियान हम लोग चला रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को हम लोग पाइल्स से मुक्त कैसे कर सकते हैं, बवासीर से मुक्त कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लगातार वर्कशॉप, सेमिनार्स, हमारे व्याख्यान, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स, इस पे हमारे जो प्रोग्राम्स है इसके माध्यम से हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको अगर कभी भी इस प्रकार की तकलीफ होती है तो आप फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर हु इज़ MS जनरल सर्जन। पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आयुर्वेद सर्जन से आप मिलेंगे तो आपको बिना ऑपरेशन से बचने के एटलीस्ट कुछ उपाय मिल सकते हैं। पाइल्स के साथ ही कुछ अन्य बीमारियों पर भी डॉक्टर साहवे रिसर्च कर रहे हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से सबसे ज्यादा असर लीवर पर पड़ता है, ऐसे में डॉक्टर साहवे ने लीवर सिरप का निजात किया है। लेवटेक नाम का यह सिरप जहां मरीजों को राहत दे रहा है, वहीं शराब के दुष्परिणाम से बचने के लिए इसे मार्केट में भी उपलब्ध कराया गया है। आजकल हमने देखा है कि शराब पीना एक फैशन हो गया है। अगर कॉलेज जीवन में कोई शराब ना पीता हो तो उसकी तरफ एक उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है, या आजकल कॉरपोरेट जगत में अगर आप जाओ और वहाँ के मीटिंग्स अटेंड करो तो वहाँ पर अगर आप शराब कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, अगर ना पीते हो तो आपकी तरफ भी एक उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। पर ये अत्यधिक अल्कोहलिक की मात्रा से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, जिसमें लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, गैस्ट्राइटिस है, और लीवर के जितनी भी तमाम बीमारियां हैं, इन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए पिछले कई मेरे सालों के एक्सपीरियंस से हमने एक लीवर सिरप का इन्वेंशन किया है। लिवटेक नाम से हमारा सिरप है। इसमें मोस्टली सभी एजेस के लिए यानी बच्चे से लेके बूढ़ों तक लीवर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, पीलिया है, वायरल हिपेटाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, या अल्कोहलिक डिसीजेस हैं,
जिसके जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बीमारियों तक ये अच्छा काम करता है। इसमें हमने कुछ स्व संशोधित वनस्पतियों का इंक्लूजन किया है, जिसमें भुयावला है, त्रिफला है, और इसकी जो मात्रा है ये हम लोगों ने डिसाइड की है कि अलग अलग बीमारियों के अनुसार इसकी मात्रा जो है, कुछ मेडिसिन इसके साथ हम लोग देते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप आपकी कोई अगर दीवार लीवर के लिए डिसीजेस की लीवर डिसीजेस के लिए कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ सेफली ले सकते हैं, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। और इसकी रिजल्ट जो है विद इन 8 से 10 डेज में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इसको लॉन्ग टर्म हम लोग 3 से 6 महीना भी देते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसका टेस्ट जो है वो एकदम कड़वा भी नहीं है और एकदम मीठा भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ मिली हुई है जिसमें कुटकी नाम का एक द्रव्य होता है जो बहुत कड़वा होता है, तो इसका कड़वापन कम करने के लिए हमने बाकी दवाइयाँ भी उसमें ऐड की है, जैसे कि दारू हरिद्रा है, भुई आमला है, भृंगराज है, माका जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके साथ में त्रिफला है, पुनर्नवा है। तो लीवर डिसीज के साथ साथ जिनको रिनल कैल्कुला या रिनल के डिसीजेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिनके दोनों पैरों में सूजन आई हुई है, पेट में सूजन आई है, पानी हुआ है पेट में, जिसको हम लोग असाइटिस बोलते हैं, इन सब बीमारियों में हमारा जो लीवटेक सिरप है इसको हम लोग अलग अलग मेडिसिन के साथ देते हैं। और इसके रिजल्ट हम लोगों को पिछले 2 से 3 साल में अच्छे मिले हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मार्केट में अवेलेबल किया है। और आप सेंटर पे आके भी इसको शुरू कर सकते हैं या फिर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके मंगवा सकते हैं। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय भीम।